देखिए डार्क मैटर की मौजूदगी को हम किसी भी विजिबल मैटर के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से समझ सकते हैं, साथ ही बैकग्राउंड रेडिएशन की ग्रेविटेशनल आपके लिए सेकंड रो की लास्ट सीट रखी हुई है, आप जा सकते हैं। कई अलग अलग राय है, अब क्योंकि इसमें भी कुछ त्रुटियां निकाली जा रही हैं, तो हमें इसे अलग माफ कीजिए ना पड़ेगा। टांगे उठाइए प्लीज। उससे हमें पता चलता है कि डार्क मैटर कहीं ना कहीं अब प्रॉब्लम हो रहा है, इस संदर्भ में रिलेटिव है। कुछ चुप तो नहीं रहा, और आज मैं आप सब लोगों को यही बात डार्क मैटर डॉक्टर पिंचलो तो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उन्हें सब माफ है, वो तो जीनियस है। देखिए हेड्रॉन कोलाइडर ने हमें बताया है कि डार्क मैटर इस ब्रह्मांड में मौजूद है। सही कहा प्रोफेसर, दिल खुश कर दिया। जी हाँ, ये कि डार्क मैटर इस तो मैं कह रहा था कि फिजिसिस्ट वो कड़ी ढूंढ रहे हैं जो डार्क मैटर को पूरी तरह से जेंटलमैन। अबे एलियन धरती पर आया था, ये तेरी माँ मंगल पर गई थी। डॉक्टर गार्बेडियन दुनिया के मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट है और हम सब यहाँ उन्हें सुनने आए हैं। लगता है ये कोई गुरु घंटाल, गुरु कम घंटाल ज्यादा है। विषय पर काफी रिसर्च की है। ये बदतमीज कौन है? वो है डॉक्टर पिंचलो। बर्नार्ड पिंचलो? यस। डार्क मैटर कोई मजाक नहीं है मिस्टर, तुम इस तरह उनकी बातों का मजाक मत उड़ाओ। थैंक यू डॉक्टर दिलबेक, पर डॉक्टर पिंचलो सही कह रहे हैं, डार्क मैटर पर मेरी रिसर्च अभी तक अधूरी है। दिमाग की मदर सिस्टर एक कर दी, मेरी रिसर्च में बिल्कुल दम नहीं है, मैंने डेटा चुराया है, मुझे माफ कर दीजिए। देखा, फाड़ में जाओ, निकल टकले, तेरा बाप टकला। लॉर्ड लॉर्ड थैंक यू प्रोफेसर गार्बेडियन, यही तो कैन कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात है, सच बोलना। और क्या मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्रोफेशनली बिहेव? एक ठुमका तो दिखा दे, वॉलकॉट की जवानी। मैं बस 2 मिनट में अभी आई, थैंक यू।